यूट्यूब के बारे में आपको बताऊंगा। नया वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है। इसमें क्या है कि यूट्यूब मशीन कैसे सेट करना, मशीन सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मशीन प्रॉपर सेट नहीं कर पाएंगे ना तो आप यूट्यूब का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मशीन को हम लोग सेट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा केबल होता है, एक इसमें रखते हैं, इसको लगा देते हैं। आप केबल किसी में भी लगा सकते हो, दो केबल लगा रहे हैं, किसी में भी लगा सकते हो, प्लस माइनस के इसमें लोचा नहीं आता है। ठीक है, दो केबल लगा दिए। अभी हम लोग ये क्या है, हमारा टीआर प्रोब है, एक ट्रांसफर होता है प्लस एक रिसीवर होता है, तो किसी को किसी में लगा सकते हो। ठीक है, इसमें हम लगा दिए। ओके, ये हमारा रेडी हो गया। अब हम आ जाते हैं मशीन पे, आ जाते हैं ना। ये हमारा डिस्प्ले होता है CRT, इसका ये अभी जो हम मशीन पे आपको हम बता रहे हैं, ये मशीन हमारा है आइंस्टाइन सेकेंड TFT, ये मोडसोनिक का ही है। ये सेकेंड TFT मॉडल होता है मशीन का। तो इसका क्या फंक्शन है, आज मैं पूरा फंक्शन इसका बताऊंगा कि इसको कैसे सेट करते हैं कैसे। ये इसमें क्या होता है, ये सब की होता है, ये फ्रीज होता है। फ्रीज मीन्स क्या होता है कि ये आपका होल्ड हो जाएगा, किसी चीज़ को अगर होल्ड करना है तो यहाँ फ्रीज कर देंगे हम, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले दिख जाएगा फ्रीज, ये होल्ड हो जाएगा। अगर हमें होल्ड से हटाना है तो उसको हम अनफ्रीज कर देंगे। ये जूम होता है, किसी को देखने का है तो हम इसको डिस्प्ले को जूम कर सकते हैं। जब जूम हो जाएगा तो किसी भी की को हम दबा देंगे तो ये हो जाएगा। ये ऑन ऑफ का की होता है। ठीक है, आइंस्टाइन सेकेंड TFT। अभी क्या है कि डिस्प्ले पे हमारा ये देखो मेनू है, इसके अंदर क्या होता है, ये मेनू का होता है, ये मेनू वन होता है। इसके अंदर टोटल 9 मेनू होता है, ये मेनू वन है। मेनू वन में क्या है कि ये यहाँ तक रहता है, 0 है, रेंज है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, फिर डीले है, और ये जो आपको लास्ट वाला दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो डिस्प्ले यहाँ से है, ये आपको क्या है फिक्स रहेगा। ओनली जो आपका मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, ये इतना ही मूवमेंट करेगा, ये फिक्स है। इसके अंदर हमारा 3 वैल्यू रहता है, एक रेफरेंस जो है वो डालेंगे वो, दूसरा क्या है गेन, 1 dB ड्रॉप में या 2 dB, 6 dB, 20 dB ड्रॉप जो हम करेंगे तो यहाँ से हम चेंजिंग करेंगे इसी के अंदर होगा। और अगर गेन बनाने का है, इको हाइट बढ़ाने का है, तो हम लोग यहाँ से ये 3 फंक्शन एक ही डिस्प्ले में यहाँ पे इस एरिया पे मिल जाएगा। तो हमारा जो चेंजिंग होगा मेनू, ये जो मेनू चेंजिंग होगा, तो ये 3 वैल्यू 4 वैल्यू वाला जो हमारा ये चेंजिंग होगा। तो ये चेंजिंग कैसे होगा, मेनू वन मेनू टू में कैसे जाएंगे हम, ये क्या होता है, ये वाला कि बैकवर्ड होता है, पीछे अगर करने करेगा ये कि हम यूज़ करेंगे, अगर आगे करने का है तो ये यूज़ करेंगे। सेम इसी तरीके से इस रो के सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। ओके, ये जब यूज़ होता है, जब इसके जिसके सामने वैल्यू हमको चेंजिंग करना है तब इसको यूज़ करेंगे हम, अदरवाइज़ ये ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो, ये कि जो हाइलाइटेड की है, ये इसके लिए काम करेगा, इसके लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी करेंगे इसके लिए काम करेगा। और ये जो आप देख रहे हो DB सेटअप, ये DB जो सेटअप करते हैं हम लोग, यहाँ से आपको दिख जाएगा HA, ये देखो DB। अगर DB हमें सेटअप करना है, ये अभी हमारा 1 dB में, जब इसको हम DB को या DB सेटअप करेंगे, इसको कर देंगे 2 dB, फिर उसके बाद हमें लाना है 6 dB, फिर इसके बाद हमें 12 dB, फिर इसके बाद हमें 20 dB, फिर उसके बाद आ जाएंगे 0.5 dB, फिर उसके बाद 1 dB। तो मतलब इससे हमको ये DB से हम सेट क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये वाले DB सेट कर सकते हैं। ओके, इस की का फंक्शन हमारा ये है, DB के लिए यूज़ करते हैं। और ये की का हमारा काम है, ये देखो ये हमारा गेन इको हाइट जो होता है, ये वाला इको हाइट आपको आप देखना यहाँ से चेंजिंग होगा। फिर हम प्लस कर रहे हैं, ये देखो 63, 65, तो ये देखो हमारा गेन बढ़ता रहेगा। तो ये जब बढ़ता रहेगा, ये हमारा अभी 1 dB के हिसाब से ये गेन अप डाउन होगा। ठीक है, ये अभी हमारा मेनू वन है। अब हम चलते हैं मेनू टू में। देखो मेनू टू जाने के लिए ये क्या होता है, ये मेनू को चेंज करने के लिए, ये हमारा बैकवर्ड या फॉरवर्ड, तो मेनू में जाने के लिए या मेनू को चेंज करने के लिए इसका हेल्प लेंगे। तो हमें मेनू से आगे जाना है, तो मेनू के आगे जाना है तो इसको हम प्रेस करेंगे। आगे हम मेनू टू में, ठीक है।
तो मेनू वन में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि करना क्या है। ये जीरो का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब हम मशीन को कैलिब्रेट करते हैं जब ही हम इसका यूज़ करेंगे जीरो का, अदरवाइज इसको हम यूज़ नहीं करेंगे टेस्टिंग के समय में। ओनली इसका यूज़ होता है मशीन कैलिब्रेशन के टाइम में। ये रेंज, रेंज हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू थिकनेस उस टाइम यूज़ कर लेंगे हम, जैसा जॉब रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू हम रेंज चेंज करेंगे। ये वेलोसिटी क्या है इसको हम चेंज करेंगे। अगर हम TR प्रोब और नॉर्मल प्रोब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव काम करता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब इस पे काम करता है तो हमें पता है कि स्टील में हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम स्टील में यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव TR और नॉर्मल प्रोब में जब हम यूज़ करेंगे तो उसका हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा TR प्रोब लगा हुआ है, मतलब एक प्रोब क्या होता है, ये TR प्रोब, एक ट्रांसफ़र एक रिसीवर, किसी से भी ट्रांसफ़र और रिसीव होता है। इसमें दो क्रिस्टल होता है, एक यहाँ एक, एक ट्रांसफ़र करने के लिए एक रिसीव करने के लिए होता है। अभी हम TR प्रोब से सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जब इसका यूज़ करना है तो अभी हमें क्या करना है, वेलोसिटी चेंज करना है, क्योंकि हम TR प्रोब लगा रखे हैं तो वेलोसिटी हम इसको चेंज कर लेंगे। वेलोसिटी हमें क्या चाहिए, इससे आप करोगे तो आगे पीछे 1, 2, 3, 4 ये वाले केस हमें बढ़ाना है, बढ़ रहा है। अगर मुझे फास्ट में बढ़ाना है बहुत स्लो हो जाएगा, 5920 हमें पुट करना है, बहुत स्लो हो रहा था, इसको मास्टर की बोलते हैं, इसको प्रेस करेंगे इसको दबाएंगे तो एक ही बार में ये वैल्यू हमारा क्या है, ऑलरेडी 4-5 वैल्यू इसमें फिट रहता है तो हमें वो पॉइंट पे पहुंचा देगा। तो अभी हमारा वैल्यू क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल में काम करेगा ये मशीन, हमारा 5920 लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए वेलोसिटी होता है वो भी स्टील में, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। ये डीलो को हमेशा हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे डीलो के, हमें TR नॉर्मल में नहीं काम करेगा। अब आ जाते हैं मेनू टू में, यहाँ इससे मैं फॉरवर्ड किया तो मेनू टू आ जाएगा। ये गेट वन, ये जो देख रहे हो आप, ये गेट होता है, इसको हम लोग गेट बोलते हैं। गेट का वैल्यू हम जब, अगर गेट ऑफ कर देंगे हम तब ये हमारा कोई वैल्यू नहीं बताएगा। ये गेट वन है, इसमें पी लॉजिक एन लॉजिक होता है और DSC होता है। तो हमें क्या करना है, अगर गेट को ऑफ़ कर देंगे तो गेट ऑफ हो जाएगा हमारा, तो हमें क्या करना है, गेट को ऑन रखना है। ये स्टार्ट, स्टार्ट में क्या होता है, गेट को हम लोग फॉरवर्ड अब देखते रहना, गेट को बहुत फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, क्योंकि हमने बैक वाले बटन का इसके सामने का प्रेस कर रखा है तो बैक हो रहा है, इससे करेंगे हम लोग तो ये देखो आ गया होगा, ठीक है। और ये एंड है, अगर इसे हमें छोटा करना है, गेट को हमें छोटा करना है, ये देखो ये यहाँ तक रहेगा, ये देखो छोटा हो, ये इधर नहीं है, ये छोटा हो रहा है। अगर मुझे इसे बड़ा करना है तो हम आगे वाले की पे दबाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इसी गेट को हमें, ये गेट का फंक्शन है, ये मेनू टू गेट का फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, इसको अप डाउन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेवल के पास जाएंगे गेट को अप डाउन करने के लिए, लेवल के पास जाएंगे, मुझे अप चाहिए तो अप वैल्यू करेंगे, डाउन चाहिए तो डाउन वैल्यू को करेंगे, ठीक है। मेनू टू कंप्लीट, मेनू थ्री में आ गया। ये गेट टू है, हमें गेट वन का ज़रूरत है, गेट टू को हमें नहीं चाहिए अभी, तो हम गेट टू को अगर कर देंगे तो ये देखो दो गेट आ गया, ठीक है, गेट टू है, तो गेट टू हमें नहीं चाहिए, तो गेट टू का हम जब नहीं चाहिए तो हमें इसे ऑफ़ कर देना है। तो ये टोटल मेन्यू जो हम गेट वन में आपको बताए थे वो सेम मेन्यू, सेम प्रोसेस गेट टू में है, ठीक है। तो हमें गेट टू अभी नहीं चाहिए, इसका जब हाई प्रोफाइल जॉब करेंगे तब इसका ज़रूरत पड़ेगा, अभी हमारा एक ही गेट पे काम हो जाएगा। तो ये मेनू थ्री था, मेनू थ्री हमारा कम्प्लीट है, मेनू थ्री गेट टू के लिए काम करेगा। मेनू फोर है मेमोरी, अभी जो हमारा ये UT मशीन है सेकेंड TFT, ये ASCAN पे काम कर रहा है, जब हमें सेटअप करना है मशीन में तब हम सेटअप पे चले जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, स्कैनिंग करना है, टेस्टिंग करने का रहेगा तो हम ASCAN पे चले जाएंगे। अभी जो हम लोग, ये जो हमारा मशीन है ये ASCAN प्रोसेस मशीन है, ये मेमोरी नंबर होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी जो होता है, ये नंबर ऑफ मेमोरी होता है इसके अंदर, देख रहे हो 73, 71 जितना मुझे कम कर रहा हूँ, जिस पे स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ सेव है, ऑलरेडी इसमें कुछ किसी ने पहले ही सेव किया है, देखो स्टार लगा हुआ है, और जिसमें कुछ सेव नहीं है देखो उसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें आप ये मेमोरी खाली है, इसके अंदर आप कुछ सेव कर सकते। मुझे अगर मान कर चलो इसमें देखना है कि क्या सेविंग है तो हम इसको देख सकते हैं, इसको देखने के लिए मेमोरी के अंदर क्या सेविंग है
सबसे पहले हम क्या जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे। एक्शन पे हमें क्या क्या फंक्शन रहते हैं वो देखो, रिकॉल, डिलीट, प्रिंट, सेंड, सेव और रिकॉल। अगर इस प्रोफाइल को इसके अंदर क्या सेव है देखने के लिए हम रिकॉल का हेल्प लेंगे। रिकॉल पे हम चले जाएंगे, रिकॉल पे चले जाएंगे और ये देखो एंटर, एंटर के सामने वाला ये बटन को हम एंटर करेंगे। इसके अंदर जो भी कुछ सेविंग था वो हमें दिख जाएगा। ये क्या हो गया, फ्रीज हो चुका है। फ्रीज मतलब होल्ड है, इसको होल्ड से अनहोल्ड कर देते हैं, इसको फ्रीज कर देते। तो ये इसके अंदर कुछ सेविंग था, किसी ने सेव किया होगा, कोई डिफेक्ट होगा, कुछ होगा, मान के चलो ठीक है, देख लिया सेविंग का। अब मान के चलो इस वाला मेमोरी को मुझे खाली करना है, ये क्या सेविंग था मुझे नहीं पता था मान के चलो, तो इसे हमें डिलीट करना है इसी मेमोरी में। तो हम क्या चले जाएंगे फिर इसी पे, एक्शन पे जाएंगे, डिलीट का हेल्प लेंगे, डिलीट का हेल्प लेके फिर उसके बाद सामने जो है एंटर, वो एंटर कर देंगे। तो ये हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है, डिलीट करेंट डाटा, यस करेंगे प्रेस होट की, नो करेंगे प्रेस एनी की। अगर होट की हमें करना है तो इसमें होट की क्या होता है, ये वाला होता है होट की, इसको हम होट की बोलते हैं, ये वाले को होट की बोलते हैं, कर देंगे। अब हमारा देखो ये खाली होगा, ये वाला जो की है ये होट की बोलते हैं। ओके, जब हम 63 में कुछ सेविंग था तो अभी हम 63 में जब था तो अभी हमारा क्या था, स्टार्ट लगा हुआ था, अभी क्या हमने इसको डिलीट कर दिया, तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंटर, ये मेनू हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है। अब मेनू चार जो कंप्लीट हो गया, अब आते हैं मेनू फाइव में, तो इसको हम आगे करते हैं। मेनू फाइव आ, ये रिजेक्ट जब यूज़ करते हैं हम, जब एंगल प्रोब या इसमें जाएंगे, रेफरेंस वेफरेंस डालेंगे तो जाके हम इसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज इसको टीआर नो में अभी हम लोग इसको 0 0 रहेंगे, अगर कुछ रहेगा तो इसको हम कुछ रहेगा तो इसको 0 0% 0 0 पे कर लेंगे, हमेशा 0 0 रखना है। सेट रेफरेंस जब यूज़ करेंगे, जब टीआर नॉर्मल से अलग जाएंगे तब हम इसको यूज़ कर लेंगे, तो अदरवाइज इसको हम ऑफ रखेंगे, इसको ऑफ करके रखेंगे। ये वीडियो, वीडियो क्या है हमारा, ये एनवेलप, ये वीडियो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शन नहीं है। ये वीडियो क्या है, ये जो गेट देख रहे हो, ये जो गेट है हमारा, ये क्या होता है, ये देखो एनवेलप है। अभी एनवेलप का ऑप्शन है तो एनवेलप है, ये देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब इसको हम कर देंगे चेंजिंग फील, तो ये देखो फील हो गया। इसका कुछ ऐसा रोल इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस ये एक तरह का थीम है समझ लो, ठीक है। ये मॉडल आपका बहुत ही मोड जो है आपका, ये मोड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, आपको ये इस पे हमेशा ध्यान रखना है। टीआर प्रोब जब यूज़ करेंगे हम तो दो केबल यूज़ करेंगे, दो केबल यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल मोड यूज़ करते हैं। इसमें दो मोड होता है, एक सिंगल मोड होता है, दूसरा डबल मोड होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी हम टीआर प्रोब यूज़ कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर लेंगे, डबल मोड कर देंगे। ओके, जब हम नॉर्मल प्रोब यूज़ कर लेंगे तो सिंगल केबल रहता है तो उसमें हम सिंगल मोड कर देंगे, एंगल में भी सिंगल मोड यूज़ कर देंगे। तो मोड पे हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मेनू फाइव कम्प्लीट हो गया, मेनू सिक्स में आ गया। ये क्लॉक है हमारा, अभी कुछ काम नहीं है इसका, तो हम लोग ऑफ करेंगे। ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट अपना रोल है। ये कलर है, ये कलर, ये जो डिस्प्ले जो है ना हमारा, ये चेंजिंग है, इसका भी उतना बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस डिस्प्ले ओनली चेंजिंग करने का है। ओके, जो आपको कलर चाहिए वो रख सकते हैं। ये हॉर्न होता है, जब इसको ऑन कर देंगे तो ये बटन पिप 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 ये करेगा, जब कोई गेट पे टच होगा तो ये हमारा पिप पिप हॉर्न बजेगा। ओके, ये ब्राइटनेस है, ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए है, कितना ब्राइटनेस रखना। ओके, मेनू सिक्स कम्प्लीट, मेनू सेवन पे आ जाते हैं। ये हमारा डीएसई है, डीएसई का फंक्शन जब यूज करते हैं, जब हम लोग एंगल प्रोब या वेल्डिंग चेक करते हैं हम लोग, जब उसमें डीएसई बनाते हैं, डीएसई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। जब ड्रॉ करेंगे उसमें हम, तब हम उसका सारा जो फंक्शन होता है उसको यूज़ कर लेंगे, ऑन करेंगे जब ड्रॉ करेंगे हम तब इसको। अदरवाइज इसको टीआर प्रोब में और नॉर्मल प्रोब में हमेशा ऑफ रखना है, अगर ऑफ नहीं रहेगा तो वैल्यू आपका चेंजिंग होगा, ध्यान रखना है डीएसी ऑफ रखना है। ये डीएसी का ही फंक्शन है, ये सेवन मेन्यू डीएसी का फंक्शन है, तो ये हमें नहीं चाहिए। ये सब हमें क्या है, सबको जीरो रख देना है, हमें नहीं चाहिए ये सब जीरो कर देना है। ओके, ये जब ये मेनू सेवन डीएसी वाले फंक्शन सिर्फ हमें वेल्डिंग में और एंगल प्रोब में हमें ज़रूरत पड़ता है, जो वेल्डिंग चेकिंग करते हैं, और वेल्डिंग चेकिंग करने के लिए हमें एंगल प्रोब का यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेनू सेवन, अब आ जाते हैं हम चेंजिंग करते हैं मेनू एट में। ये जो देख रहे हो मेनू एट में क्या है, मेज़र ऑन है, आप देखना ये जो डिस्प्ले हो रहा है, डी ओ, ये डी ओ है, ये एच डी है, ये एस पी है,
ये डी ओ डी जो है हमारा, ये डेप्थ है, डेप्थ मीन्स थिकनेस, डी फॉर डेप्थ, डेप्थ फॉर थिकनेस। ये एस डी है, एस डी मीन्स एस टी समझ लो आप, सरफेस डिस्टेंस। जब हम आपको दिखाएंगे, जब जॉब पे हम वर्क करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा ये एच डी होता क्या है। ठीक है, ये हमारा एच डी है, ये हमारा एस पी है, ये बीम पाथ है। ये सबका फंक्शन हम आपको एक अच्छे से बना के वीडियो में दिखाऊंगा एज ए प्रैक्टिकली। तो अभी सिर्फ आपको समझना है ये एस पी क्या है, एच डी क्या है, डी क्या है। ओके, समझ में आ गया। मेनू एट आपका ये है, तो ये मेजर देखो आपको ऑफ कर देंगे, तो ये वाला देखो हमें ऑफ हो गया। ठीक है, हमारा कोई भी वैल्यू आएगा तो ये मेनू में अगर ऑन रहता तो वैल्यू दिखाता, अगर ऑफ हो गया तो हमें कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऑन रखना है, जब कोई वैल्यू आएगा तो हमें यहाँ दिखना चाहिए। ऑन रखना, ठीक है, ओके आ गया। और ऑन ऑफ का मेजर करेगा ये एक्स ऑफ, एक्स ऑफ को हमेशा जीरो रखना है, किसमें, टी आर में और नॉर्मल प्रोब में, टी आर और नॉर्मल प्रोब में हमेशा एक्स ऑफ को क्या करना है, जीरो रखना है। अगर कुछ चेंजिंग है तो ध्यान रखना इसको जीरो कर लेना है, किसमें, एंगल और टी आर प्रोब। एंगल अगर हमारा चेंज है कुछ भी तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, किसमें, एंगल प्रोब में, जो भी रहेगा वैल्यू उसमें हम डाल लेंगे। ये एक्स ऑफ एंगल में यूज़ कर लेंगे, एंगल जितने एंगल का हम लोग प्रोब यूज़ कर लेंगे उसमें ऐड करेंगे। टी आर प्रोब में और नॉर्मल प्रोब में हमेशा जीरो होना चाहिए, क्या जीरो होना चाहिए, एंगल जीरो, एक्स ऑफ जीरो। टी आर प्रोब में, नॉर्मल प्रोब में थिकनेस जो हमारा फील्ड है, हम तो टी आर प्रोब में और नॉर्मल प्रोब में थिकनेस ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें थिकनेस अगर वैल्यू फिट कर देंगे तो हमारा वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। अगर कुछ वैल्यू इसमें डाला हुआ है तो इसको हमें जीरो करना है। जीरो स्पीड में करने के लिए हम लोग क्या बताए थे, ये हॉट की प्रेस कर लेंगे उसके सामने कर लेंगे, तो ये स्पीड में हमारा कम बेस होगा। तो ध्यान रखना है टी आर प्रोब में और नॉर्मल प्रोब में हमें क्या करना है, कैलिब्रेशन के टाइम में या टेस्टिंग के टाइम में हमेशा ऑलवेज थिकनेस जीरो रखना है। ओके, समझ में आ गया। एक्स ऑफ टी आर नॉर्मल प्रोब में जीरो, टी आर नॉर्मल प्रोब में एंगल जीरो, टी आर नॉर्मल प्रोब में थिकनेस जीरो। मेनू एट जो है हमारा हमेशा जीरो रहना चाहिए, एंगल में, सॉरी टी आर में और नॉर्मल प्रोब में। अब आ गया है मेनू नाइन, ये मेनू नाइन इसमें लास्ट मेनू है। मेनू नाइन के अंदर क्या है, हुड, एच यू डी हुड, फिर इसके बाद बीप, ये हुड ऑल है। ये जो हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है, डेप्थ एस डी एस पी, ये हमारा हुड है, इसमें अलग। अब हुड क्या करता है, ऑल, ऑल अगर कर देंगे तो ये तीनों का वैल्यू हमें एक ही जगह पे फाइंड आउट होता रहेगा। अगर हमें मान के चलो पार्टिकुलर किसी का चाहिए, मुझे सिर्फ डेप्थ चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ डेप्थ डाल देंगे तो डेप्थ आएगा, ये दोनों हाइट हो जाएगा। अगर सिर्फ मुझे क्या चाहिए, एच डी चाहिए, तो यहाँ डाल देंगे एच डी, ये डालते नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी पुट रहता है। तो ये आपको देखो इसको चेक करना है कि इसके अंदर क्या है, तो यहाँ मैं देखूँगा ऑफ़ कर दूँगा, तो ये आप देख लो तीनों ऑफ हो गया। मेजरमेंट में तो सिर्फ ऑफ हो रहा था, मेजरमेंट वाला जो ऑप्शन था, मेजर वाला ऑप्शन, उसमें सिर्फ ऑफ हो रहा था। इसमें क्या है कि हुड में क्या है कि ऑफ के साथ साथ जो हमें पार्टिकुलर चाहिए वो आपको दिखेगा। ऑफ कर दिया, पूरा ऑफ हो गया। क्या किया हम, यहाँ पे सिर्फ एक चाहिए मुझे, एस पी चाहिए, तो यह हमने डाल दिया एस पी। बीम पाथ हमें चाहिए, तो यहाँ एच डी डाल दिया। तो यहाँ देखो आपको ये, आप बोलोगे यहाँ पे तो सर डी था, तो डी आना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं कि किसी का फिक्स, सब अलग अलग फिक्स रहता है। यहाँ पे क्या है, एस पी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एस पी हो गया। चेंज कर देंगे, हमें सिर्फ डेप्थ चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ डेप्थ चाहिए, तो यहाँ देखो आपको सिर्फ डेप्थ आएगा। ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पे शो नहीं होगा, हम यहाँ पे जो पार्टिकुलर अगर एक फंक्शन दे देंगे तो ये होगा। अब हमें चाहिए सरफेस, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सरफेस डिस्टेंस चाहिए हमें, तो यहाँ पर एच डी शो होगा सिर्फ। ओके, अगर हमें टोटल चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, ऑल, हमें क्या देखना चाहिए, डेप्थ भी देखना चाहिए, एच डी भी देखना चाहिए, एस पी भी देखना चाहिए, तीनों हमें देखना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, ऑल कर देंगे। ये बीप क्या है, ये बीप बटन का, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो बटन हम करेंगे तो ये देखो, ठीक है, तो नहीं होगा। ओके, तो मेनू नाइन हमारा कंप्लीट। मेनू नाइन के साथ साथ हमारा ये जो सेटिंग करने का प्रोसेस, ये हम प्रॉपर सीख गए, ठीक है। ये आ गया स्टार्टिंग में, फिर से मेरे
स्टार्टिंग में फिर से आ गया हमारा मेनू वन, यहाँ हमारा नाइन, नाइन के बाद जैसे मैं आगे कर रहा हूँ तो आ रहा है मेनू वन, यानी मतलब मेनू वन से मेनू नाइन तक आप पूरा प्रॉपर कंप्लीट सीख गए हैं। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं कि सर ये क्या चेंजिंग करना है, क्योंकि ये मेनू चेंजिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप मेनू को प्रॉपर नहीं सेट कर पाओगे तो आपका वैल्यू जो है, कुछ भी आप सेट कर लो तो आपका वैल्यू चेंजिंग होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि मोडसोनिक का ये जो हमारा मॉडल है आइंस्टाइन सेकेंड TFT, इसमें कैसे सेट करते हैं, फंडामेंटल इसका क्या है, की का ये सब की का फंडामेंटल क्या है और इसका कब यूज़ करते हैं, इसका कब इस वैल्यू का कब यूज़ करते हैं, मैं इसको आपको डिटेली में पूरा ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इसी तरह का अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन में क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास किया ये है दूसरा मशीन है DGS का, हमारे पास किया ये दूसरा मशीन है DGS का, तो इसका देखो फंक्शन आप क्या अलग अलग है इसका फंक्शन। तो अगर आपको इस मशीन के बारे में भी जानना है कि इसका हम की कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आपको इस मशीन के लगे आपको एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊँगा। मशीन का नाम मैं डालूंगा जैसे DGS के DS322 है, तो मैं इसका की कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, क्या फंक्शन होता है, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे वीडियो का वेट करना। ठीक है, थैंक यू।